उत्तर प्रदेश में होने वाले हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ट्रक और बस की टक्कर से भीषण नरसंहार हुआ, जिसमें 12 से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनों गंभीर घायल हैं, तो वहीं इसी नवरात्रि के दूसरे दिन बस्ती जिले में मुंबई से डुमरियागंज जा रही डबल डेकर बस पलट गई। इस बस के पलटने में अब तक 12 लोगों के गंभीर घायल होने की सूचना है। बस में से 12 यात्रियों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं बस में 80 यात्रियों से ज्यादा लोगों के सवार होने की सूचना दी जा रही है। मौके पर पहुंचे बस्ती जिले के नगर थाना अध्यक्ष ने स्थिति को संभाला और वहां से बचे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके क्षेत्रों में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इस बस के पलटने से लगभग 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में 3 से 4 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है। घटना का समय सुबह 8 बजे का बताया जा रहा है। बस के ओवरलोड होने से यह घटना बताई जा रही है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ड्राइवर को अचानक से झपकी आ गई थी, जिससे बस अनियंत्रित होकर के डिवाइडर में जा टकराई और पलटने के बाद ऐसा हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश में बसों के पलटने से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। अवैध बसें जिस तरह से सड़कों पर धल्लले से दौड़ रही हैं, उनमें आरटीओ और अन्य अधिकारियों की मिलीभगत शामिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के कागजों पर फिटनेस दिखा करके बसों को सड़कों पर उतार दिया जाता है। वहीं ऐसी लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर कम से कम होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं किया जाता। कैसे, क्या हुआ था? क्या हुआ? बस पलट गया। ये आपका बच्चा है? डॉक्टर ने क्या बोला? बोला दूसरी जगह गोरखपुर लेके जाओ। गोरखपुर? कहाँ की रहने वाली है? सिद्धार्थनगर। क्या नाम आपका? ये ही एक दुर्घटना हुई। बस हादसा हुआ सर, क्या स्थिति है और कितने जानकारी के अनुसार 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें कि 10 लोग स्वस्थ हैं, 2 लोग थोड़ा सा गंभीर रूप से घायल हैं, उन लोगों का एडमिट किया गया है। राहुल के राधे श्याम और सुफियान अली पुत्री दोनों लोगों का इलाज चल रहा है और अभी स्वस्थ, काफ़ी स्वस्थ। सर, क्या तहरीर भी दी जा रही है यात्रियों द्वारा? कहा जा रहा है कि नशे में चल रहा है। अभी अभी कुछ तक जानकारी नहीं है, शहरी मिलते ही कार्रवाई की जाएगी।